छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 22 जनवरी को हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। रामचरित मानस का आयोजन भी किया जाएगा। इसका आयोजन हर जिले में होगा। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राममय नजर आएगी। पार्टी चंदखुरी में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इसमें रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस दिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाएगी। 22 को कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाएगा और जिसको भी समय होगा वो अपनी आस्था है कहीं भी शामिल हो जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के हनुमान चालीसा पाठ को लेकर बीजेपी तंज कसने लगी है। डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति कर रही है। ये लोग बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाते थे, लेकिन जब चुनाव आता है तब कांग्रेस राम की शरण में चली जाती है। यदि भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, पर ये राजनीति न करें इस नाम से। अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछें कि उन्होंने अयोध्या के आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। फिलहाल पूरा देश राममय है और राजनीतिक दलों का राम के नाम पर सियासत जारी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर राम के नाम पर वोट बैंक बटोरने के आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।